इस बार प्रियंका गांधी लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, किस सीट पर कांग्रेस खेलेगी बड़ा दांव, हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद 5 राज्यों पर बिछी चुनावी बिसात, 24 में क्या हिमाचल से प्रियंका भरेंगी उकार या उत्तर प्रदेश से जंग होगी आर पार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं बालकृष्ण हाजिर हूं एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद प्रियंका गांधी ने ही इसका बड़ा संकेत दे दिया है। अभी फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां चल रही हैं और लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव को भी कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में जिस तरह कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत का डंका बजा चुकी है, अब पार्टी को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का इंतजार है। खैर, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो अब तय मानी जा रही है कि प्रियंका गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को मैदान में उतरकर सीधी चुनौती दे सकती है। सवाल एक और है, वो ये, क्या प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी या फिर उत्तर प्रदेश की किसी सीट को चुनेंगी या किसी और राज्य की कोई सीट होगी जहां प्रियंका गांधी 2024 चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इन सभी सवालों से हम पर्दा उठाएंगे और आपके सामने तस्वीर साफ करेंगे कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का प्रियंका गांधी के लिए फाइनल प्लान क्या है। आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश ही कांग्रेस के लिए एक ऐसा राज्य उभर कर सामने आया है जहां से कांग्रेस पार्टी के विजय रथ की शुरुआत हुई थी और आज भी चाहे वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव, हर चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज हिमाचल का नाम ही ले रहे हैं। साथ ही सुक्कू सरकार के एक ऐसे फैसले की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है जो हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के हित में लिया गया है, वो है ओपीएस बहाली का फैसला। अब हर राज्य में कांग्रेस ये दांव खेल रही है और भाजपा को मुश्किलों में डालती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने ही चुनाव की कमान संभाली थी जिसके बाद कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और सुखविंदर सिंह सुक्खू के रूप में हिमाचल को कांग्रेस से नया मुख्यमंत्री मिल गया। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। अब 5 राज्यों के चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की नजर है क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव की रणनीतियां भी तैयार करनी है। हिमाचल तो कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश भी कांग्रेस के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। ऐसे में अब प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने एक बार फिर सियासत में माहौल पैदा कर दिया है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा का बिगुल फूक जाएगा। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तीनों ही राज्यों में सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसके साथ ही पार्टी अपने आप को उत्तर प्रदेश में भी मजबूत करने के काम में जी जान से जुट गई है। हालांकि ये तय नहीं है कि वायनाड से सांसद बने राहुल गांधी इस बार अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं। इस बीच एक और चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव में पहली बार ताल ठोकेंगी। अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी? क्या वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं जिस पर उनकी मां सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं? अगर चर्चा रायबरेली सीट की है तो पहले आप इस सीट का समीकरण समझ लीजिए। रायबरेली लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी। अमेठी की लोकसभा सीट पर राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। बताया जा रहा है कि लगातार खराब सेहत की वजह से सोनिया गांधी इस बार चुनाव लड़ने से परहेज कर सकती हैं। ऐसे में उनकी सीट पर उनकी बेटी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसे सिर्फ एक कयास माना जा रहा था, लेकिन हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने ऐसा इशारा किया है कि ये बात कंफर्म होती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी से पूछा गया कि क्या वो आने वाले लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेंगी। उन्होंने इस सवाल को ये कहकर टाल दिया कि अभी लोकसभा चुनाव बहुत दूर है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या वो रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इस सवाल से प्रियंका गांधी ने ना तो इनकार किया और ना ही इस पर अपनी सहमति जताई। प्रियंका ने कहा कि तब देखेंगे मैं क्या करूंगी। प्रियंका गांधी ने रायबरेली से अपने चुनाव लड़ने पर मोहर तो लगाई नहीं है,
लेकिन इनकार ना करके इस चर्चा को बल दे दिया है कि उनकी उम्मीदवारी पर पार्टी के भीतर विचार चल रहा है। हालांकि सिर्फ रायबरेली से ही प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के चर्चे नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से भी उनके चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने इसे लेकर कहा था कि वो तो चाहते हैं और उन्होंने प्रस्ताव भी भेजा है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ें। वो यहां से चुनाव लड़ेंगी तो कांग्रेस की जीत तय है। शिवसेना भी प्रियंका को वाराणसी से चुनाव लड़ाने के लिए सुझाव दे चुकी है। अगर रही बात हिमाचल प्रदेश की तो शिमला में प्रियंका गांधी का घर भी है जहां वो अपने परिवार के साथ अक्सर समय बिताने आती रहती हैं। ऐसे में क्या वो रायबरेली और वाराणसी की सीट को छोड़कर हिमाचल की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी को लेकर क्या राय रखते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए? तब तक के लिए मुझे दीजिए धन्यवाद।